पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण कुमार का राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर बड़ा जुबानी हमला देखने को मिला। विकसित भारत संकल्प यात्रा में मुरादाबाद पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण कुमार ने सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों से मुलाकात की और मोदी की गारंटी पर लोगों को भरोसा और विश्वास दिलाया। राहुल गांधी के संसद सुरक्षा सेंध को महंगाई और बेरोजगारी वाले बयान पर भाजपा राष्ट्रीय महासचिव अरुण कुमार का पलटवार भी देखने को मिला। उन्होंने ये कहा कि ये अभी जांच का विषय है, देश के किसी भी कोने में चले जाइए लेकिन राहुल गांधी को कोई सीरियस लेता ही नहीं। वहीं अखिलेश यादव के एमपी के मुख्यमंत्री मोहनलाल पर दिए गए बयान पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण कुमार ने अखिलेश यादव पर भी जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा कि मोहन यादव को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। मोहन यादव और अखिलेश यादव में कभी कंपेयर करेंगे तो मोहन यादव के सामने अखिलेश यादव कहाँ टिकेंगे। आज भारत विश्व की पांचवी अर्थव्यवस्था बना है और यह विश्व के सभी संगठन और सभी जो आर्थिक जगत के जो विशेषज्ञ वो कहते हैं कि भारत विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था शीघ्र बनने वाला है। अब भारत विकसित होगा, डेवलप्ड कंट्री होगा और 2047 तक जो है भारत विकसित भारत बनेगा। इसका मतलब होगा, इसका मतलब सभी के जीवन स्तर में अभूतपूर्व एक सुधार आएगा, खुशहाली आएगी, अर्थव्यवस्था में सुधार होगा, जो हमारे ग्रामीण और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें सुधार होगा। हर दृष्टि से भारत विश्व का अग्रणी देश बनेगा और मोदी की गारंटी पे लोगों को भरोसा है, विश्वास है, क्योंकि जो कहते हैं वह करते हैं। इस गारंटी, मोदी की गारंटी के गाड़ी के माध्यम से जो पूरे देश भर में चल रही है, लोगों को अलग अलग योजनाओं का लाभ, जो गरीब को जो लाभ मिलना चाहिए, जो योजनाएं हैं, चाहे मकान हो, चाहे स्वच्छ, चाहे उज्ज्वला हो और स्वनिधि का है, बहुत सारे स्कीम्स ऐसी हैं जिनके माध्यम से गरीबों के जीवन में बदलाव आ रहा है और लाभ भी मिला है। जो बचे हुए हैं उनको भी इसका लाभ मिले, इसलिए उसका रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है और योजनाओं का अधिक से अधिक लोगों को जानकारी भी हो, किसान को जानकारी हो, महिला को जानकारी, युवा को जानकारी हो, इसलिए लोगों के बीच में जा कर के कैंप लगाए जा रहे और यह भारत सरकार के माध्यम से यह हो रहा है और प्रदेश सरकार के माध्यम से। इसे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करते हैं और योगी जी का भी आभार व्यक्त करते हैं। बहुत अच्छा यहाँ पे कार्यक्रम का आयोजन किया गया और सरकार के अधिकारी जो है, जो कर्मचारी या ऑफिसर्स, वह भी दिन रात मेहनत करके उनके मन में भी यह संकल्प है कि किस प्रकार से गरीबों को, किसानों को मदद करें, महिलाओं की मदद करें, वह भी आभार के पात्र है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। लेकर के राहुल गांधी का बयान जो है वो सामने आया, वो कह रहे महंगाई और बेरोजगारी की वजह से ही हमला हुआ था। देखिए, यह अभी जो जांच का विषय है, लेकिन इतना जरूर है राहुल गांधी जी को कोई सीरियस लेता नहीं। देश के कोई भी कोने में चले जाए, राहुल गांधी को कोई सीरियस नहीं लेता। और इस प्रकार से वक्तव्य जो इरिस्पॉन्सिबल वक्तव्य देते हैं, अभी देखिए तीनों राज्यों में भाजपा की सरकार बनी मोदी जी के नेतृत्व में, हार गए। ऐसा वक्तव्य देने से क्या है, देश की जनता उसको एक्सेप्ट नहीं करती। आप रिस्पॉन्सिबल स्टेट दो, इरिस्पॉन्सिबल स्टेट अगर आप देते हो तो जनता उसको नहीं स्वीकारती। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अखिलेश यादव, मोहन यादव, अच्छा मोहन यादव जी को, अच्छा मोहन यादव जी को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया भारतीय जनता पार्टी ने, और वह भी उस स्थिति में जब भारतीय जनता पार्टी की 3/4 की बहुमत की सरकार वहाँ बनी है। और अखिलेश यादव जी इस प्रकार से बात करते हैं, मोहन यादव जी और अखिलेश यादव जी में कभी कंपेयर करेंगे तो मोहन यादव जी इतने पढ़े लिखे और इतने जानकार व्यक्ति, इतने गंभीर व्यक्ति हैं, उनके सामने अखिलेश यादव जी कहाँ टिकेंगे। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।